मेरा नाम विवेक खंडेलवाल है, मैं बालेश्वर से हूँ। एंड 10th of November को मेरी मदर को ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। एंड वहाँ पे फिर हमने बालेश्वर में प्रिलिमिनरी मेडिकेशंस के बाद उनको भुवनेश्वर शिफ्ट किया ऑन 11th। एंड 11th में हमने शुभ्रांशु सर को कंसल्ट किया। एंड रात को इन्होंने डिसीजन लिया कि हमें इनको ऑपरेट करना चाहिए, बिकॉज़ ब्रेन का स्वेलिंग बढ़ गया है, एंड टू रिड्यूस दिस स्वेलिंग उनको ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी था। तो ये इमिडिएटली मतलब रात को हमारा ऑपरेशन 1 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ था, एंड इट एंडेड अप एट अराउंड 5:30 इन द मॉर्निंग। उसके बाद मेरी मदर वेंटिलेटर में थे, एंड काफ़ी मतलब इश्यूज भी थे उनको, मतलब लंग्स में भी थोड़ा सा पानी आ गया था। बट विथ ऑल हिज नेसेसरी गाइडेंस एंड सपोर्ट, एंड विथ ऑल द सपोर्ट ऑफ द हॉस्पिटल, शी वाज एबल टू रिकवर क्वाइट वेल। आम पाखकु जने पेशेंट आसीथिले बालेश्वर रु, तांकर गोटे ब्रेन रे गोटे बड़ एरिया रे स्ट्रोक हेतिला, जेमति कि मु आपनको ब्रेन रो स्कैनिंग देखेबी। तांकर लेफ्ट साइडेड रो ऑलमोस्ट अधारु अधिक भाग ब्रेन स्ट्रोक रे इफेक्ट हेतिला। तो ता फळ रे सी तांकर डाहण साइडेड रे हाथ गोड़ रो दुर्बलता हेतिला, एवं सी सेतेबेले कथा कहि पारनथले। तो सी जेतेबेले आपन पाखकु आसीथिले, एटा को आमे कहू मालिग्नेंट इनफाक्ट बा गोटे बड़ एरिया रे ब्रेन रे स्ट्रोक हेछि। तो से कंडीशन रे कौन हुए आम पाई ट्रीटमेंट इज भेरी चैलेंजिंग। सेतेबेले न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जन रो आमर कोऑर्डिनेशन माध्यम रे तांकर सांगे सांग ब्रेन रो ऑपरेशन करा हेथिला, एवं ब्रेन रो ऑपरेशन परे से वेंटिलेटर रे रहिथिले, एवं ग्रेजुअली मेडिसिन माध्यम रे एवं तांकर फिजियोथेरापी रिहैबिलिटेशन एवं रेडियोलॉजी डॉक्टर मानकर सपोर्ट नहीं कि सी ग्रेजुअली रिकवरी कले, एवं आज प्रोबेबली सी टिके कथा कहि पारुछथि, एवं तांकर हाथ आ गोडर मध्य तांकर मूवमेंट मध्य धीरे धीरे सेटा इंप्रूवमेंट करुछि। तेणु ए प्रोसेस गुड़ी को टिके समय लागे, किंतु मु एतिकी कहबा पई चाहिबी जे ब्रेन स्ट्रोक बा आपणकर मस्तिष्क घात गोटे बहुत कॉमन रोगर कंडीशन, एवं एई कंडीशन रे जदि पेशेंट मानकर रहुछि यथाशीघ्र हॉस्पिटल को आसिक जदि आपण चिकित्सा नेबे, ताहले बहुत गुड़िक पेशेंट मृत्यु मुखर मध्य उद्धार पाती, एवं धीरे धीरे रिहैबिलिटेशन माध्यम रे से मानकर हाथ गोड़र फंक्शन मध्य इंप्रूवमेंट करे। जेबडी डॉक्टर शुभ्रांशु कहिले ए पेशेंट जेतेबेला आसीथिले बहुत क्रिटिकल कंडीशन रे आसीथिले, कथा कहि पारनांदी बिकॉज लेफ्ट साइड टोटल मालिग्नेंट इनफेक्ट हेछि, टोटल हेमिस्फेरिक कंडीशन अछि, हाथ गोड़ चालू नाई। तो से कंडीशन ने आमको मेडिसिन स्टार्ट हला, ता सहित सर्जिकल आस्पेक्ट करी सर्जरी कला परे जेते मैक्सिमम जहाँ इनफैक्टर जहाँ मैक्सिमम वर्ल्ड लेवल रो जहाँ सर्जरी करवा कथा आम से लेवल रो करबा को चेष्टा कलु, एवं ता परे परे देखिलु जे नॉर्मली इथरे कथा कहबा संभव हुए नै, किंतु मिराकुलसली ये सी हैज इंप्रूव्ड ए लॉट, कथाबार्ता करि परचंदी निजर ऑलमोस्ट एतिकी कम दिन भीतर हॉस्पिटल स्टे भीतर ही एते इंप्रूवमेंट करिसेंदी। तेणु ये कहार कथा है एटा गोटे टीम अप्रोच, जेतेबेले स्ट्रोक सर्जरी रे सबु मेडिसिनल ट्रीटमेंट अच्छी, इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट अच्छी, सर्जिकल ट्रीटमेंट अच्छी, ता सब जदि ठीक टाइम रे ही स्टार्ट हुए गोल्डन पीरियड भीतर आम जदि स्टार्ट करू सब निश्चित भाव बहुत भल रिजल्ट हबो। एवं जहाँ जहाँ आम मानकर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर अच्छे स्ट्रोक प्रिवेंशन हिसाब से से सब गुड़ा आमको जानवाक पड़ा, जमी डायबिटीज ब्लड प्रेसर एवं शीत दिन जमी टेम्परेचर रेगुलेसन रे प्रॉब्लम हुए, ये सब गुड़ाक आम मैंने टी से विषय नलेजफुल होगा दरकार। ताकि जदि हो स्टिल देन आम ट्रिटमेंट जगार पहुँचीगले और ठीक रे ट्रिटमेंट करती, तो निश्चित भाव में नर्माल अलमोस्ट पखापाखी नर्माल लाइफ भी आम पाई।